नहीं होगा, सियासी तौर पे कुछ हासिल नहीं होगा। कड़ी निगरानी के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षा जारी है और पहली पाली में 10वीं की हिंदी की परीक्षा हो रही है। 12वीं कक्षा के लिए सुबह की पाली में सैन्य विज्ञान परीक्षा हो रही है। दोपहर की पाली में हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर होगा। कड़े पहरे में आयोजित हो रही है ये परीक्षाएं। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है, अगर नकल कोई करता है तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा। मानवेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से सीधे लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। कड़ी निगरानी के बीच यूपी में बोर्ड परीक्षाएं जारी है, कैसी वहां पर तैयारी है और पुलिस की तैनाती है? ये देखिए, परीक्षा छूट चुकी है, हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे हैं। तो पहली पारी की बोर्ड की इस साल की परीक्षा छूट गई। बात करते हैं, आप लोग बताएंगे किस चीज की परीक्षा थी आपकी? हिंदी। हिंदी थी, कैसा पर्चा था? अच्छा था। कितना किया आपने, पूरा कर लिया? हाँ, कर लिया पूरा। अच्छा, जिस तरह से इंतजाम किया है गवर्नमेंट ने कि नकल ना हो, अच्छे से परीक्षा हो, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिला? हाँ बिल्कुल मिला। आप लोग बताएंगे, आप बताएंगे कैसा हुआ आपका? सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और पेपर भी अच्छा आया था, सभी हल किया है। सभी हल किया, आपका भी सब अच्छा हुआ है? यस सर। देखिए, और कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये लोग आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, पेपर कैसा हुआ है तुम्हारा? बहुत अच्छा हो गया मेरा। अच्छा हुआ? हाँ। सब कर लिया, सब सारे क्वेश्चन? यस सर। कैसा पेपर आया था? अच्छा पेपर था, सब पढ़ा पेपर आया था पूरा, बहुत इजी। इस तरह के इंतजाम है, इस बार नकल विहीन परीक्षा हो, शांति रहे, सब शुचिता बनाई रहे, कैसा लगा? बिल्कुल चीटिंग तो बिल्कुल नहीं हुई, बहुत आसान पेपर था, मुझे नहीं लगता किसी चीटिंग की होगी। ठीक है, तो पेपर छूट चुका है आपके पास। मानवेंद्र वापस आएंगे, सीधे हिमांशु का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद में भी पेपर छूट चुका है हिमांशु, बच्चे आने लगे हैं बाहर? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में जो पहली पाली थी उसका पेपर छूट चुका है। 10th क्लास के जो छात्र छात्राएं थे वो पेपर देकर बाहर निकले हैं। छात्र छात्राओं से हमने बात भी की है, उनके चेहरे काफी उत्साहित नजर आए हैं छात्र छात्राएं। उसकी वजह है कि पेपर बहुत इजी आया है, ऐसा उनका कहना है। और छात्र छात्राओं का ये भी कहना है कि पेपर पहले के मुकाबले इजी रहा और इस वजह से पेपर काफी अच्छा गया है। हालांकि जो इसका परिणाम आएगा, तब किस तरह का रिजल्ट आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, हिंदी का आज एग्जाम था 10वीं के छात्र छात्राओं का, वो काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर छात्रा खड़ी है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कैसा एग्जाम गया। कैसा एग्जाम गया बेटा आपका? अच्छा गया, पेपर अच्छा था। और भी बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं, कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया, पेपर इजी था।